गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपकी क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोअन जो एनिमल्स होते हैं वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। अगर प्रोटोजोआ का मीनिंग देखा जाए तो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो मतलब फर्स्ट और जोआ मतलब एनिमल्स, यानी कि ऐसा एनिमल जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, प्रोटोजोआ में रखा जाता है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो एनिमल किंगडम को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जो जिनका आधार है नोटोकोड की उपस्थिति। जिन जंतुओं में नोटोकोड पाई जाती है वह कॉर्डेट्स कहलाते हैं, और जिनमें नोटोकोड्स अनुपस्थित होती है उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जीव जंतुओं को फाइलम में, दो फाइलम में रखा गया है, मेजर फाइलम एंड माइनर फाइलम। इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं जिनमें नोटोकोड नहीं पाई जाती है वे दो कारकों पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स इन द फाइला, एंड सेकंड पार्टिसिपेशन ऑफ फाइला इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़। इन दो कारकों के आधार पर एनिमल किंगडम में जो फाइला पाए जाते हैं इनमें मेजर फाइला 9 है और माइनर फाइला जो है 21 है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें इन्वर्टिब्रेट फाइला और इनमें जितनी भी स्पीसीज है वो दिखाई गई है। जैसे हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो प्रोटोजोआ है मेजर फाइला में रखा गया है, नंबर ऑफ स्पीसीज 15,000 है। मीजोजोआ माइनर फाइला में है, जो 50 स्पीसीज ओनली इसकी नोन है। पोरीफेरा सीलेंट्रेट सभी केस में लिस्ट दी हुई है। इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोअन जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक असेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल होते हैं, जिनमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1671 में बताया। इनके बाद में वॉन शिबॉल्ड ने 1845 में प्रोटोजोअन को सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में खोजा। डोबेल, जिन्होंने इन्हें एसेलुलर और नॉन सेलुलर एनिमल्स नाम दिया। गोल्ड फस, सबसे पहले गोल्ड फस ने इन जंतुओं को प्रोटोजोआ नाम दिया। प्रोटो का मीनिंग, ये ग्रीक वर्ड है प्रोटोस और ज्यूएंस, दो शब्दों से मिलके बना है। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट, ज्यूएंस मतलब एनिमल। लगभग 50,000 जातियाँ अभी तक खोजी जा चुकी है, पहचानी जा चुकी है और उनके नाम दिए गए हैं। इस फाइलम में पाए जाने वाले जंतु जो होते हैं फ्री पैरासिटिक होते हैं और विश्वव्यापी होते हैं, यानी कि संसार भर में पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रोटोजोअन्स फर्स्ट फॉर्म एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यानी कि नेक्ड आई से नहीं देखे जाते हैं। ये प्री कैम्बियन पीरियड, पैलियोजोइक एरा के प्री कैम्बियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। इनकी जो शेप होती है डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जिनमें से कुछ स्फेरिकल ओवल बाल शेप्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं शेपलेस और इररेगुलर होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है। इनमें डेफिनेट शेप नहीं पाई जाती है। हैबिटेट, ये जंतु संसार भर में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोन्स कॉमन सेल्स एंड पैरासिटी टाइप के होते हैं। ये वाटर सॉइल एयर और एनिमल के बाहर और अंदर पैरासाइट्स के रूप में, बाय पैरासाइट
और एंडो एंड एक्टो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इन जंतुओं की जो सिमेट्री होती है रेडियल, स्फेरिकल, बायलेटरल और एसिमेट्रिकल भी होती है। जनरल कैरेक्टर्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही कोशिका से बॉडी बनी होती है। सिंगल सेल जो होती है वे जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी की जंतु की वह सारी एक ही कोशिका करती है। बॉडी नेक्ड और बाउंड बाय पेडिकल्स, पेडिकल नामक एक आवरण होता है जिससे आवृत होती है। इनमें कुछ जंतुओं में शेल पाई जाती है और एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। इनकी जो साइज होती है 0.002 mm to 16 mm होती है। इनमें से कुछ फॉसिल्स भी होते हैं जैसे नूमुलाइट सबसे बड़ा फॉसिल है और इसकी जो साइज है 19 सेंटीमीटर के लगभग पाई जाती है। न्यूक्लियस, इनमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ईलोफोर्स जिसमें दो न्यूक्लियस हैं डाइमॉर्फिक टाइप के, जिसमें से एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और यह जितनी भी वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उनको रेगुलेट करता है। और दूसरा जो न्यूक्लियस है स्मॉल और इसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इनमें जो लोकोमोशन होता है वह है फिंगर लाइक स्यूडोपोड्स, विप लाइक फ्लैजिला, हेयर लाइक सीलिया के द्वारा होता है और कुछ में अनुपस्थित होता है जैसे कि अमीबा में देखिए साइटोप्लाज्म के द्वारा ही स्यूडोपोडिया का निर्माण होता है। न्यूट्रिशन, इनमें होलोजोइक यानी कि जीवों को यह भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, होलोफाइट प्लांट लाइक सेप्रोजोइक पैरासिटिक पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। डाइजेशन, इनमें इंट्रासेलुलर पाया जाता है जो कि फूड वैक्यूल्स में होता है। रेस्पायरेशन देखा जाए तो इनमें विशेष प्रकार के रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन या विसरण से ही श्वसन की क्रिया होती है। एक्सक्रीशन डिफ्यूजन द्वारा होता है। इनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन और फ्यूजन ऑफ गैमिट्स सिनगैमी द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग द्वारा होता है। इनमें जो लाइफ हिस्ट्री होती है वह अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल फेजेस द्वारा कंप्लीट होती है। कुछ प्रोटोजोअन्स में एंसिसमेंट पाई जाती है, यह एक प्रोटेक्टिव फेज होती है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जंतु को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। प्रोटोजोअन्स में एग्जांपल देखिए तो अमीबा है, युगलीना है, वोर्टिसेला, वॉल्वॉक्स, पैरामीशियम इत्यादि इसके एग्जांपल हैं।